आप सब कैसे होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैट शो कॉन्क्रेशर में डेली क्या क्या चेकिंग करना है, क्या क्या चेकिंग करना अर्जेंट है, उसके बारे में कुछ बताएंगे और दिखाएंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, लोअर फ्रेम या लोअर बॉडी का जो ढक्कन लगा हुआ है, उस ढक्कन को खोलने के बाद डस्ट सील का अंदर साइड, जो साइड में डस्ट जमा हुआ रहता है, उस डस्ट को गिरा देंगे। वो अगर नहीं गिराएंगे तो ऑयल ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हर दिन इस डस्ट को गिराना है और सफाई करना है। कुछ इस तरह 11 ट्रिक बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नंबर टू, ए डायमेंशन देखना है, CSS सेटिंग्स देखना है। CSS सेटिंग्स का फुल फॉर्म क्लोज साइट सेटिंग्स। IC50 का डिस्प्ले है तो डिस्प्ले से सेटिंग देख सकते हैं। नंबर थ्री, ये जो दो एयर फिल्टर लगा हुआ है, एक पैनल के लिए, दूसरा डस्ट सील के लिए, तो दोनों एयर फिल्टर का हर दिन खोल के सफाई करना है। नंबर फोर, ऑयल का जाली चेकिंग करना है और ऑयल का लेवल चेकिंग करना है। जाली चेकिंग के बारे में, अगर जाली में कोई मटेरियल आया तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बारे में एक वीडियो बना कर रखा हुआ है। अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। नंबर फाइव, फिल्टर चेकिंग करना है। ये जो घड़ी या गेज लगा हुआ है, एक गेज अगर इसका कांटा अगर ऊपर चला जाए तो समझ जाइएगा कि फिल्टर चॉक हो गया है। तो इसी तरह फिल्टर को भी आप चेक कर लीजिएगा, ये ज़रूरी है। अगर फिल्टर चॉक हो जाएगा तो कौन चालू नहीं होगा, इसके लिए हर दिन फिल्टर को भी चेक करना ज़रूरी है। सिर्फ आँखों से देखिए, चेक हो जाएगा। नंबर सिक्स, वी वेल्ट चेकिंग करना, अगर पलटी हो जाए तो उसको सीधा करना। नंबर सेवन, अगर कौन का मोटर ज़्यादा वाइब्रेशन करे तो पुल्ली का दोनों साइड जो मिट्टी जमा हुआ रहता है, उस मिट्टी को सफाई करना है। मोटर वाइब्रेशन होना बंद हो जाता है क्योंकि मिट्टी के कारण वाइब्रेशन होता है। नंबर एट, काउंटर शाफ्ट का जो एयर ब्रीदर है, इस एयर ब्रीदर को हर दिन खोल के सफाई करना है डीजल से। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अपना चैनल में छोटा हो या बड़ा क्रेशा संबंधित हर कोई वीडियो अपलोड होता ही रहता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर नाइन, ऑयल का जो पाइप है, रिटर्न पाइप, प्रेशर पाइप, कूलिंग पाइप, जब क्रेशर चलता है रनिंग में, उस टाइम पाइप घिस के काटने का चांस रहता है। नंबर टेन, महीना में एक बार टॉप बियरिंग का कैप हटा के देखिए कि ग्रीस सही है या नहीं है। कॉन में डेली 2-4 पंप हर दिन मारते रहिए और महीना में एक बार टॉप बियरिंग में कितना ग्रीस है खोल के चेक कीजिए। नंबर 11, अगर कभी भी वेल्डिंग का काम करते हो मशीन में, तो ये जो कार्ड है, इस कार्ड का पिन निकाल दीजिए, कॉर्ड निकाल दीजिए और डिस्प्ले का भी कॉर्ड निकाल दीजिए। नहीं तो इसके कारण क्या है, जितना पैनल में जितना अर्थिंग है, वो अर्थिंग वाला सारे के सारे केबल जल जाएगा। तो ये रहे कुछ जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगला वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।